Hello students, welcome all of you in your geography classes and I hope all you are doing your studies on regular basis. Students, lockdown is not standing between teachers and students. So please, without wasting your time, concentrate on your studies with the hope of your good performance. Let's continue our previous topic, that is the landform made by the glacier. In this chapter, we already read the erosional and deposition activity of rivers and glacier, and today we will read the depositional activity of glacier. Erosion करने के बाद में glacier कौन सी depositional activities करता है, कौन सी landform वो बनाता है, आज हम पढ़ेंगे. So first landform that is made by the glacier after deposition, moraines. डिपोजनल एक्टिविटी में सबसे पहले मोरेन्स बनाता है कोई भी ग्लेशियर. मोरेन्स मीन्स सेडिमेंट्स जो अपने साथ में लेके आता है. इरोजन हुआ है, अब रिवर है वो सेडिमेंट लेके आती है, रिवर फ्लो हो रही है, लेकिन ग्लेशियर है वो भी स्लाइड हो रहा है, वो भी अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स, क्योंकि माउंटेन के बीच में से आ रहा है तो माउंटेन को तोड़ते हुए वो ग्लेशियर्स अपने साथ में सेडिमेंट्स, पेबल्स, बोल्डर्स, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े लेके आता है अपने साथ में, जिन्हें मोरेन्स कहा जाता है. अब ये मोरेन्स ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ग्राउंड मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स एंड टर्मिनल. सो क्या है ये समझते हैं. ग्राउंड मोरेन्स मीन्स जिस बेस पर, जिस बेड पर इरोजन कर रहा है, जिस बेड पर इरोजन कर रहा है ग्लेशियर, उस बेड के नीचे जो सेडिमेंट होंगे, इस ग्लेशियर के नीचे जो सेडिमेंट्स होंगे अभी, वो क्या है, ग्राउंड मोरेन. लेटरल सेडिमेंट्स, अब सेडिमेंट्स यहां पर भी जमा हो रहे हैं, सेडिमेंट साइड में जो सेडिमेंट जमा हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड द लेटरल मोरेन्स एंड द टर्मिनल मोरेन्स. जो ग्लेशियर के सामने जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, डिपोजिट हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड द टर्मिनल मोरेन्स. सो मोरेन्स आर द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स विच इज कैरिड बाय एनी ग्लेशियर. ग्लेशियर अपने साथ में जो लेके आ रहा है सेडिमेंट्स, उनको जो डिपोजिट कर रहा है, कहां पर, अपने बेड पर डिपोजिट कर रहा है, दैट इज द ग्राउंड मोरेन. साइड में डिपोजिट कर रहा है लेटरल मोरेन, एंड द टर्मिनल मोरेन इज जब वो फ्रंट में यहां पर डिपोजिट कर रहा है. नेक्स्ट डिपोजिशनल फीचर इज ड्रमलिन. ड्रमलिन क्या होता है, ग्लेशियर है अपने साथ, टर्मिनल मोरेन्स की जब एक लेयर बन जाए, टर्मिनल मोरेन्स की जब लेयर बन जाती है तो वो दूर से ऐसे दिखते हैं जैसे कि एग बास्केट है. सो इसे एग बास्केट भी कहा जाता है और इन्हें ड्रमलिन्स भी कहा जाता है. ड्रमलिन इज द लेयर ऑफ टर्मिनल मोरेन्स. टर्मिनल मोरेन्स की लेयर्स हैं डिफरेंट, दे आर कॉल्ड द ड्रमलिन, और यू कैन से दैट एग बास्केट. तो अगर एग बास्केट पे क्वेश्चन आता, दैट इज द ड्रमलिन. आपने वही फिगर बनानी है ड्रमलिन की एंड ड्रमलिन के बारे में ही लिखना है. सो नेक्स्ट लैंडफॉर्म दैट इज मेड बाय द ग्लेशियर इज फ्लूवियल ग्लेशियल, और यू कैन से दैट आउटवॉश प्लेन. जैसे रिवर अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आती है और सेडिमेंट्स वो बिछा देती है प्लेन पर, तो उन्हें एलुवियल प्लेन कहा जाता है. ऐसे ही जब ग्लेशियर अपने साथ में सेडिमेंट लेके आते हैं और उन सेडिमेंट को वो डिपोजिट कर देते हैं एक प्लेन में, एक बहुत बड़े एरिया में, तो उस एरिया को फ्लूवियल ग्लेशियल कहा जाता है या आउटवॉश प्लेन कहा जाता है. मतलब वो प्लेन एरिया जहां पर एक ग्लेशियर ने सेडिमेंट्स को डिपोजिट किया है, उस एरिया को फ्लूवियल ग्लेशियर कहा जाता है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एस्कर. जब जो सेडिमेंट्स हैं वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में डिपोजिट होने लगे, मतलब सबसे जो बड़े पेबल्स हैं, बड़े रॉक्स हैं, वो एक लेयर में, उसके बाद में थोड़े छोटे रॉक्स, और उसके बाद में ऐसे करते करते जो वॉल बनने लग जाए, लेयर स्ट्रक्चर वॉल बन जाए, कि डिफरेंट आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बड़े पेबल्स हैं, उसके बाद में छोटे पेबल्स हैं, उसके बाद में बिल्कुल छोटे पेबल्स हैं, फिर सिल्ट है बिल्कुल, तो ये जो लेयर होती है इन्हें एस्कर कहा जाता है. नेक्स्ट इज केटल. केटल शेप कब बनती है, जब सेडिमेंट्स के साथ में कुछ ग्लेशियर के पीसेस भी उन सेडिमेंट्स में डिपोजिट हो जाते हैं. मतलब ग्लेशियर के पीसेस भी हैं यहाँ पर, आइस के पीसेस भी हैं और सेडिमेंट्स भी है, तो जब आइस के पीसेस कुछ टाइम बाद मेल्ट होंगे तो वहां पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और इन गड्ढों को ही कहा जाता है केटल. दीज आर सम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मेड बाय द ग्लेशियर, दैट इज मोरेन्स, फ्लूवियल ग्लेशियल, एस्कर, केटल.
After the glacial landforms, we will read about the ocean currents and waves. ओशन करंट्स एंड वेव्स हैं वो भी जो कोस्टल लैंड है वहां पर कुछ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है. लेट्स रीड देम. सो इरोजनल लैंडफॉर्म बाय द वेव्स एंड करंट्स. इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले आता है क्लिफ. सबसे पहले एक बार समझते हैं. बिफोर रीडिंग अबाउट द क्लिफ, द मूवमेंट ऑफ वेव इज वेरी नेसेसरी टू रीड. कैसे होती है वेव्स की मूवमेंट? जब वेव्स हैं वो कोस्ट की तरफ आती हैं तो इसे कहा जाता है स्वैश. और जब ये कोस्ट की तरफ आती है तो ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेंगे यहाँ पे, इसलिए इन्हें कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है. जब वेव्स आ रही हैं कोस्ट की तरफ तो इन्हें स्वैश कहा जाता है. एंड ये कंस्ट्रक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेडिमेंट लेके आ रही है. वेव्स का डायरेक्शन राउंडर होता है लाइक दैट, कि वेव्स को मूव होने के लिए राउंड बनाना जरूरी है. लेकिन कोस्ट पर आकर के ये जो राउंड है ये कंप्लीट नहीं हो पाता, इसे कहा जाता है वेव ब्रेक. सो वेव ब्रेक किसे कहा जाता है? जब वेव को प्रॉपर मूवमेंट के लिए स्पेस ना मिले कोस्ट के पास में, उस जगह को कहा जाता है वेव ब्रेक. देन जब वेव्स वापस जाती है बैक तो इन्हें कहा जाता है बैक वॉश. ये स्वैश एंड ये बैक वॉश. और इन्हें डिस्ट्रक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेडिमेंट्स स्वैश लेके आई थी वो सेडिमेंट्स वापस लेके जा रहे हैं बैक वॉश, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिव. जब ये प्रोसेस बार बार होता है, वेव्स आ रही हैं स्वैश एंड बैक वॉश जा रहा है, तो बार बार ये यहां पर फ्रिक्शन होता है, स्ट्रक होता है. और ये जो एरिया है, ये कोस्टल का जो क्लिफ है, ये और भी नीचे अंदर की साइड चला जाता है, इसे कहा जाता है सी क्लिफ. सी क्लिफ. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर सी क्लिफ है कि वेव के मूवमेंट से जो कोस्टल एरिया है वो और भी ज्यादा स्टीप हो गया है, बिल्कुल स्टीप हो गया है और ये बन गया है क्लिफ की शेप में आ गया है. इसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सी क्लिफ. सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर मेड बाय द सी वेव्स. नेक्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म मेड बाय द वेव्स आर केव्स एंड इनलेट्स. केव्स एंड इनलेट्स, लुक एट हियर, केव्स एंड इट इज इनलेट्स. जब सी से सपोज यहां पर हार्ड रॉक है सो इसका इरोजन नहीं हुआ है, सी वेव्स इसको इरोड नहीं कर पाई है, बट यहां पर सॉफ्ट रॉक है तो सी वेव्स ने अंदर तक यहां पर इरोजन कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बन गया. अब ये जो स्ट्रक्चर अंदर की साइड चला गया जहां पर इरोजन हुआ है, इन्हें इनलेट्स कहा जाता है क्योंकि पानी यहां पर आ सकता है. एंड ये जो स्ट्रक्चर जहां पर इरोजन नहीं हो पाया, जहां पर हार्ड रॉक थी, तो इन्हें कहा जाता है केव्स. सो दीज आर केव्स एंड इनलेट्स. नेक्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म्स आर केव, आर्च, स्टैक्स एंड स्टम्प्स. जो एंड ये लैंडफॉर्म्स है ये कोस्टल रीजन में बनती है, जहां पर जो सी है उसका बिल्कुल, जो सी है उनके बैंक्स होते हैं वहां पर ये बनती है स्ट्रक्चर. सपोज ये हार्ड रॉक है एंड यहां पर सॉफ्ट रॉक थी. अब जब सी का वॉटर आएगा, जब वेव्स आएंगी, तो ये जो सॉफ्ट रॉक है इनका इरोजन होने लगेगा और सॉफ्ट रॉक है उनमें हॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसे केव कहा जाता है एंड इसे आर्च कहा जाता है. उसके बाद में इरोजन होने के बाद में सिर्फ ये पार्ट बचते हैं जिन्हें स्टैक्स कहा जाता है. और जब सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बचे वो भी सबमरीन हो जाए, वो भी पानी में डूब जाए, इन्हें स्टम्प्स कहा जाता है. तो ये इरोजनल एक्टिविटी स्टेजेस में होती है. सबसे पहले केव बनती है, एक पाथ मिल गया है जो वेव्स हैं उनको इरोजन करने के लिए. उसके बाद में ये कटिंग स्टार्ट कर देती है. इरोजन ऐसे हाफ इरोजन होता है, दैट इज आर्च. उसके बाद में इरोजन के बाद में दो आपको क्रीसेंट मून टाइप के जब आपको पिलर्स दिखाई देंगे उन्हें स्टैक्स कहा जाता है. एंड लास्ट में जब छोटा सा पार्ट आपको वो भी सबमरीन हो गया, दैट इज द स्टम्प. इसे स्टम्प कहा जाता है. नेक्स्ट इरोजनल स्ट्रक्चर मेड बाय द सी वेव्स इज गैलप्स. गैलप्स कैसे बनते हैं? तब किसी भी सी वेव्स है उनको पाथ मिल जाता है लैंड की तरफ मूव करने का. मतलब यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है और जो सी वेव्स है वो यहाँ पर अंदर एंट्री स्टार्ट इन्होंने कर दी और ये अर्थ सरफेस के नीचे से होते हुए वाटर है वो अर्थ सरफेस पर यहाँ बाहर निकल आया. अब यहाँ पर रूफ दिखाई नहीं दे रही है, मतलब ये अंडरग्राउंड जैसे टनल होती है तो उस टनल की तरह वाटर है, ये बाहर की साइड निकल रहा है. तो ये जो सरफेस पर ये जो होल है जहां से पानी बाहर निकल रहा है इसे ग्लो होल कहते हैं. और जो पाथ जहां से वाटर एंटर कर रहा है अर्थ सरफेस के नीचे से टनल बना रहा है उन्हें गैलप्स कहते हैं. और जब इनके ऊपर की जो रूफ है वो भी हट जाए, मतलब अभी
ऐसे जा रहा था वाटर नीचे से, अब ये जो रूफ है ये कवर ऊपर से हट जाए और वाटर हमें दिखाई देने लगे कि हाँ वाटर है वो अर्थ सरफेस में एंट्री कर रहा है, जो वाटर है वो लैंड पर जा रहा है सी से. सो इन्हें कहा जाता है जियोस. इनको जब इनकी रूफ हट जाती है ऊपर की रूफ, ये वाटर जा रहा है यहां से, ये रूफ हट गई है, इन्हें जियोस कहा जाता है. और जब रूफ ऊपर ही होती है तो इन्हें कहा जाता है गैलप्स. सो दीज आर सम इरोशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय द सी वेव्स. नाउ वी विल रीड सम ऑफ द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मेड बाय द वेव्स. सी वेव्स हैं वो कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाती है? सबसे पहले बीचेस. बीच होते हैं जहां पर वेव्स हैं वो सेडिमेंट्स को इकट्ठा करती है. कोस्टल रीजन, यहां पर सेडिमेंट्स इकट्ठा करने लग रही है, वेव्स आ रही है यहां पर, सेडिमेंट्स इकट्ठा कर रही है. तो कोस्टल एंड सी के बीच में वो जगह जहां पर सेडिमेंट डिपोजिट कर रखा है, दैट इज नोन एज द बीच. वो प्रोसीजर जिसमें बैक वाटर एंड स्वैश है वो सेडिमेंट जमा कर रहा है, बैक वाटर सेडिमेंट्स को वापस लेके जा रहा है, वो प्रोसेसिंग चलती है, दैट इज कॉल्ड द बीच. देन नेक्स्ट वन इज बार. जब सी वेव्स हैं वो यहां पर, जब सी वेव्स हैं वो कोस्टल रीजन में जो सेडिमेंट्स हैं उनको डिपोजिट कर दे और ये एक आर्टिफिशियल डैम की तरह नजर आते हैं. ये जो बार्स हैं ये आर्टिफिशियल डैम है जो किसने बनाए हैं? सी वेव्स ने. और कैसे बनाए हैं? सेडिमेंट्स को डिपोजिट करके, दैट आर कॉल्ड द बार्स. नेक्स्ट फ्योर्ड. फ्योर्ड तो आपको पता ही है, फ्योर्ड इज लाइक दैट, सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक. और यहां पर जब वाटर भर जाता है इन एरियाज में, दे आर कॉल्ड द फ्योर्ड. डैलमेशियन. डैलमेशियन मीन्स जब कोस्टल एरिया के परपेंडिकुलर हो माउंटेन. आपने देखा होगा जो मुंबई का पार्ट है अरेबियन सी में, जो मुंबई का पार्ट है वो इस तरह से है क्योंकि यहाँ पर माउंटेन है वो परपेंडिकुलर है कोस्ट के साथ में लगे हुए माउंटेन. सो इसे कहा जाता है डैलमेशियन. एंड एस्चुरीज. एस्चुरीज जब कोई भी रिवर है वो सी में मर्ज हो रही हो तो बिना कोई लैंडफॉर्म बनाए वो एक ओपन माउथ से सी में एंट्री कर जाती है, रिवर डायरेक्ट एंट्री कर रही है, इन्हें क्या कहा जाता है? एस्चुरीज. सो दीज आर सम ऑफ द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मेड बाय द सी वेव्स. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी ऑलरेडी रीड अबाउट द इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर, ग्लेशियर. एंड टूडे वी रीड द इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ सी वेव्स. एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. रीड द चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.